सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। यदि पैसा किसी व्यक्ति को दूसरों के लिए अच्छा करने में मदद करता है तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नहीं तो यह केवल बुराई का द्रव्यमान है और जितनी जल्दी इसे छुटकारा मिल जाए बेहतर होगा। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। आज का पंचांग 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 10:16 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 8:33 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:17 से 1:35 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार, संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशों को बाहर निकाल दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर भी मिल सकती है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह आज किसी वरिष्ठ के मध्य स्थिरता से शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से राहत देगी। दिन अच्छा बीतेगा। आपके द्वारा दिए गए सुझाव और आइडिया पर किसी अन्य व्यक्ति को काम करता देखकर आपके मन में जलन की भावना हो सकती है, इसलिए किसी व्यक्ति को किस हद तक मदद करनी है इस बात की शुरुआत तय करना होगा। अन्य लोगों के साथ कंपटीशन करने की गलती ना करें। काम करने का मौका अपेक्षा के अनुसार मिलने के बाद भी चंचलता की वजह से काम एकाग्रता से करना मुश्किल होगा। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस हो रहा है उनके सामने प्रपोजल रखने के लिए और थोड़ा वक्त लें। सावधानियां, यह समय ऊर्जावान तथा चुस्त दुरुस्त रहने वाला है। आलस और गुस्से की वजह से बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे परंतु आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोच समझ कर पैसा खर्च करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। मित्रों से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी। आपका आज का दिन बदलाव, क्रांति और उत्तकत भावनाओं के नाम रहेगा। अब आप हाथ पर हाथ धरकर बैठने और किस्मत के भरोसे रहने की बजाय खुद कुछ करना चाहेंगी। आपकी कोशिशें लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके पार्टनर भी शामिल होंगी। रोमांटिक मामलों में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए या आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। बात करते हैं करियर की। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद आप वापस अपने कार्य करने की शैली में आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों सहयोगियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझें और उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाएं। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। व्यवसाय संबंधित किसी भी काम में हर फैसला खुद ही लें। इस समय काम करने के तरीकों में कुछ सुधार लाने की भी जरूरत है। दूर दराज के संपर्कों के जरिए बड़े डील होने की उम्मीद है, इसलिए किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। ऐसा आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखें और इस आदमी के हटकर आप तरोताजा भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती है, इसके मुख्य वजह आपकी असंतुलित दिनचर्या ही है। आज का उपाय,
आज आप गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।